हेलो भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने लाया हूँ फियाट की पुंटो। इसका हम फुल ओनरशिप एक्सपीरियंस रिव्यू एंड फीचर्स की बात करेंगे। इस तरीके से इसकी कुछ चाबी आती है फ्लिप की, देख सकते हैं। सामने इसके आते हैं रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स, हेलोजन है, नीचे फॉग लैम्प्स। ये कुछ इस तरीके से इसकी ग्रिल आती है। इंडिकेटर सामने वाले इधर साइड में है। फोर्टीन इंच के अलॉय व्हील्स तो नहीं आते इसमें, स्टील रिम है। व्हील कैप भी दिया गया है फियाट की तरफ से। ये इमोशन वेरिएंट है, इसमें एक इमोशन पैक भी आता है जो टॉप मॉडल है। ये सेकंड टॉप है। ओआरवीएम इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। डोर ट्रिम की अगर बात करें हम तो यहाँ पे चार पावर विंडो, ये लॉक करने का, और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम है, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल नहीं है। इधर सॉफ्ट टच दिया हुआ आपको। ये आपका बूट ओपनर और ये फ्लूइड लिड। ये सीट एडजस्टेबल और ये हाइट एडजस्टेबल सीट। अंदर से अगर आपको दिखाऊं तो इस तरीके से इसकी कुछ MID है। यहाँ पे MID के कंट्रोल, यहाँ पे हेडलाइट एडजस्टेबल, ये फॉग लैम्प के कंट्रोल, इसके AC वेंट्स, इसका म्यूजिक सिस्टम है। आनंद आला करो। ये मैन्युअली AC। यहाँ पे एक ग्लव बॉक्स है छोटा सा, और यहाँ पे भी एक डीप ग्लव बॉक्स। ये पावर विंडो के कंट्रोल्स, AC, ये मैन्युअली डिमिंग IRVM। MID की अगर बात करें तो इसमें हमें काफ़ी अच्छे फीचर्स आते हैं। बात करते हैं पीछे की। पीछे भी आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दिया गया है। पावर विंडो का कंट्रोल है। पीछे अगर लेग रूम की बात करें, स्पेस भी अच्छा खासा है इसमें। इसके कंपटीटर थे पोलो, स्विफ्ट और पुरानी जनरेशन i20। उस तरीके से इसमें कंफर्टेबल भी अच्छा है गाड़ी। डैशबोर्ड की बात करें तो ऐसा कुछ ये डैशबोर्ड था, हैंड ब्रेक। पीछे टू एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स भी दिए गए थे गाड़ी में उस टाइम पे। ये 2009 का मॉडल है। ये अपने टेल लैम्प से नॉर्मल वाले। पीछे वाइपर भी दिया गया था इसमें। साइड से लुक देखो आप। बूट की अगर बात करें तो 280 लीटर्स के आसपास इसका बूट था। गाड़ी में काफी सामान है। अभी देखते हैं इसका इंजन बे कैसा है। गाड़ी को ऑन कर लेते एक बार। इसका इंजन पे है। गाड़ी को 13 साल अभी कंप्लीट हुए, उस हिसाब से इंजन काफी कम है गाड़ी में नॉइस, इंजन नॉइस। यहाँ पे टॉप मॉडल में पैडिंग भी आती है, लेकिन अभी इस वेरिएंट में पैडिंग नहीं है इंसुलेशन के लिए। और इसके पावर फिगर्स में आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। बात करें गाड़ी की बॉडी की तो बॉडी काफ़ी हैवी वेट है इसका, और बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी सॉलिड है। ये अगर बात करें इस कार के कुछ यूनिक फीचर्स की, जो उस टाइम पे और किसी कार में नहीं आते थे, बस ये फियाट ही देता करता था अपनी पुंटो में, तो ये देखिए, वन टच ऑल फोर विंडो डाउन है। देखिए
और पीछे के दो भी, वन टच ऑल फोर विंडो, और ड्राइवर्स कैट सिर्फ ऑन टच अप है, बाकी के आपको ये ऐसे ही ऊपर होते जो नॉर्मल अदर कार्स में होता है वैसे। यहाँ पे इधर आपको कुछ नहीं दिखा दिया गया है, मिरर, यहाँ पे मिरर था लेकिन ये टूट चुका है। MID में आपको स्पीड अलर्ट भी दिया गया है, अगर आप स्पीड सेट करते हैं ऐसे तो यहाँ पे स्पीड बीप वगैरह, ट्रिप बी डाटा, सेट टाइम, सेव डेट, सी रेडियो और ऑटो क्लोज। ऑटो क्लोज मतलब जैसे आपकी कार 20 का स्पीड रीच करती है तो ये डोर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं, अपने आप लॉक हो जाते हैं। बजर वॉल्यूम भी है इसमें, बटन वॉल्यूम एंड सर्विस भी आपको बताता रहता है। बात करें और यूनिक फीचर्स की मतलब, तो यहाँ पे नीचे आपको एसी वेंट्स भी दिए गए, उस भी दिए गए, यहाँ से हवा आती है। बिल्ड क्वालिटी इस गाड़ी की काफी लाजवाब थी, बहुत बढ़िया बिल्ड क्वालिटी थी। दोस्तों अगर बात करें इस गाड़ी को 2023 में लेना चाहिए या नहीं, तो हम ऐसे बोलेंगे कि अगर 1 लाख के नीचे अगर ये गाड़ी आपको अच्छी कंडीशन में मिलती है तो नो डाउट गाड़ी बहुत अच्छी है, आपको लेना चाहिए। और स्पेयर पार्ट्स की अगर बात करें तो स्पेयर पार्ट्स इसमें मिल जाते हैं, थोड़ा आपको ढूंढना पड़ता है, थोड़ा हसल करना पड़ेगा। ऑनलाइन भी वैसा बूडमो वगैरह वेबसाइट्स में आपको इसके पार्ट्स ईजिली मिल जाएंगे। अगर मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस सेम एज अदर कार से, सेम एज अदर कार्स, इसका मेंटेनेंस आपको पड़ जाएगा। और बात करें इसकी लुक्स की तो लुक्स काफ़ी, इसके काफ़ी मतलब अग्रेसिव नहीं थे, क्यूट लुक्स के साथ गाड़ी आती थी। इसके जो एक्सटीरियर पार्ट्स है जैसे ORVM हो गए वो थोड़े महंगे, टेल लैम्प्स वगैरह लाइट्स वो महंगे, बाकी का गाड़ी का मेंटेनेंस तो ज़्यादा कुछ नहीं है खास, अपना वही स्विफ्ट वाला ही इंजन इसमें आता था। हालांकि मारुति सुजुकी इस गाड़ी से फियाट से ही वो इंजन लेती थी, और बाकी अपना स्विफ्ट और स्विफ्ट डिजायर, टाटा विस्टा, उसमें आता था ये इंजन। नो डाउट गाड़ी बहुत अच्छी है, माइलेज भी आपको अच्छा निकाल के देगी। मैं अभी इस गाड़ी से 23-25 के अराउंड माइलेज लेता हूँ। तो यही था दोस्तों, ये गाड़ी आप ले सकते हैं अगर अच्छे कंडीशन में 1 लाख के आसपास अगर आपको मिलती है तो आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी गाड़ी है। अगर बिल्ड क्वालिटी की इस गाड़ी की बात करें तो कोई इसका कंपटीशन ही नहीं था उस टाइम पे। देखिए आप डोर की साउंड सुनिए, इसका थड़ बहुत मतलब बहुत हार्ड है, और डोर्स भी खोलने में थोड़े इसके हेवी है एज कम्पेयर टू अदर कार्स उस टाइम पे। अच्छे पार्सल ट्रे भी आती थी उसमें। आपको गाड़ी में ट्विटर भी है आगे पीछे, ये कंपनी फिटेड है। और भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे भी इस गाड़ी का बहुत सारा स्टफ आने वाला है, मॉडिफिकेशंस वगैरह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।